अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत होंगे। तो आज हम लोग बना रहे हैं कपकेक्स, चॉकलेट कपकेक्स। वो बहुत ही टेस्टी होते हैं, तो चलें अब हम शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए दो अंडे, वो तो हम तोड़ लेते हैं। सबसे पहले आराम से तोड़िएगा, बस गिर ना जाएगा। ये नहीं 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 मैं कर देती हूँ, आपने पहले कभी नहीं तोड़ा तो इसलिए चिकन है। अब इसको अच्छे से जो है ना आप लोगों ने मिक्स करें। जी करें, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना। ये तो पूरा कम देखिए, इसकी पूरी पूरी तरह से झाग बन चुकी है। अच्छे से करो इसको, आपने इसको पूरे एक दिन बिल्कुल गंदा नहीं करना, बिल्कुल जल्दी करो। ठीक है, बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी तो बोल दें बस काफी अभी तो। अब ना हमने ये बाइंड कर, हम इसमें पूरा कप चीनी डाल देते हैं। चीनी मतलब ग्राइंड कर लिया हमने। हाँ जी, कैस्टर शुगर भी आती है हमें, कुछ ज़्यादा ही होगी। थोड़ी सी पहले डालते हैं फिर मुझे बनाए। थोड़ा सा मैं कर लूँ। अच्छा ठीक है, अगर थोड़ी सी चीनी रहती है फिर आपने फिर से ब्लेंड कर लेनी है। वैसे भी हम थोड़ा उसमें करते हैं ना, इसमें छाने वाले में तो चीनी अंदर ही रह जाती है, उसके अंदर भी ना आती। मैं करूँ जल्दी जल्दी फिर आप मिक्स करना। वैसे स्पून से करते हैं ना तो ऐसे ही हो जाता है। अब हमने इसको मिक्स करना, बिल्कुल एक साइड से पहले नीचे करना है, तो जल्दी जल्दी से मिक्स करना है वरना इसमें लम्स बन जाते हैं। लम्स बन जाते हैं, फिर वो फीका है थोड़ा सा। स्मेल इससे बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन बाद में बहुत अच्छी आएगी। वनीला एसेंस भी आप लोग डाल सकते हैं, स्मेल भी अच्छी आएगी। जब केक बन जाएगा तो ओके, स्मेल भी अच्छी आएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना। अभी इसमें ऑयल जाएगा, डालो आधे से आधा कप ऑयल डालना है इसमें। नहीं करते हैं बस, ठीक है। इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। मिक्स में मैदा लेके आ, मैदा लेकर अब हम इसमें जो है ना इसको, ये अच्छे से हमारा हो गया। अब हम इसमें डालेंगे मैदा, पौना कप हमने मैदा डालना है। ये पीछे रखो। अब कोको पाउडर हमने डाला, और इसमें भी हम डालते हैं कोको पाउडर। ये आप लोग ना ये कितने चम्मच डालना है, एक ही चम्मच, ढाई तीन चम्मच डाले, तीन चम्मच हम पूरा कर लेते हैं। इन्हें थोड़े से पत्थर से बने हुए होते हैं ना, तो इसमें पत्थर नहीं हो रहा, इसमें जॉइंट रहता है। वेट करो थोड़ी बस, अब इसको आराम आराम से करो। शुरू से नहीं कर दो, फिर एंड से आप करना। अच्छा, चम्मच से कर लो ना, चम्मच नहीं नहीं वो ठीक है, मैं तो इससे करता हूँ। हाँ, इससे भी हो जाता है। अगर आप लोग जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, ज़्यादा देर लगाएंगे ना, तो इसमें फिर एक चम्मच जो है ना वो हम इसमें कोको पाउडर हमने इसमें डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे साइड से सारा।
में करूँ? रुको ना, यहाँ से करना है थोड़ा थोड़ा, फिर करना। अपने फुल टॉप पे इसको बैठा लिया, फुल टॉप पे ना, ठीक है। अब आराम से डाल दें, इतना बेटर हो जाएगा। कुछ मिला तीन हम पूरा आ गया, ये लगता है फिर से अच्छा होगा। अपने से बैठा ये पूरा, यहां मैं तो सोच रहा हूं क्या यहां से ना दूसरा कट करना, अच्छा हो गया। अभी है ना ठीक है, 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 इसको ना एक बार हम उसमें से पहले इसको टैप भी कर लेते हैं। तो हमने ना फ्रिज का जो है ना वो प्रीहीट होने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा 10 मिनट्स के लिए आप इसको प्रीहीट होने देंगे और उसके बाद जो है हम मेकअप स्टिक्स रख लेंगे। और ये हमने जो है ना कपकेक्स रख दिए हैं, मीडियम आंच पर रखने हैं इसको, और कितनी देर के लिए? 30 मिनट्स हमने इसको रख लेना। तो सुबह जब ये बनेंगी मैं आऊँगा खुद का। थोड़ा रेस्ट करने से पहले हम पहले अपना किचन साफ कर लेते हैं क्योंकि कुछ गंद हो चुका है। जी मिलते हैं हम आपको जब कपकेक्स बन जाएंगे, बाय। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कितने ही मज़े के ना हमारे कपकेक्स बन गए। इसके ऊपर हमने ना एक एक क्यूब चॉकलेट का भी डाल दिया है, इसको ना हमने 40 to 50 मिनट्स तक के लिए चेक किया है। और ये इतना अच्छा है कि मेरा तो मुँह में अभी से ही पानी आना स्टार्ट हो चुका है, दिल कर रहा है अभी मैं खा लूँ सारे। थोड़ा सा ठंडे होने लगे फिर ठंडे, देखिए इसका मज़ा भी है। तो यहाँ पे हमारे केक्स रेडी हैं, अब मैं इनको खोलती हूँ। एक को ही खोलो, यहाँ पे अब हमने खोल लिया पूरा इसको ऐसे खराब ना, आधा तो इसको ही लगे थोड़ा ठंडा। ये देखिए, अब ये देखिए, ये इतना अब देखिए बहुत मज़े का बना, मिलता ना सो जमा बाय और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, आप लोग भी बना कर चेक करना चाहिए। बाय।